भरा छात्र वीरो उठो चलो, धनार्दन धर्मा सूर्य उगरा छात्र वीरो उठो चलो उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो उठो चलो। माता तुलजा भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्म के लिए जान देने वाले हमारे संभाजी राजे, यहाँ के जो गुरु है हमारे जयंत बालाजी आठवले, आदरणीय व्यासपीठ के ऊपर विराजमान सब भक्तगण, और सामने बैठे सब हिंदू धर्म योद्धा, इनको मेरा सादर प्रणाम। मैं पूना का रहने वाला हूं, पिंपरी गांव में एक कत्तलखाना है, उस बारे में मैं आपको बताता हूं। तो कत्तलखाना कैसे बंद होता है? कत्तलखाना बंद होना एकदम स्वाभाविक है, एकदम सिंपल एक्ट है, इसके लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता है। कत्तलखाना बंद होने के बाद गोरक्षण कैसे होता है वो आगे का पार्ट है। पिंपरी गांव में एक कत्तलखाना है जो पुल के नीचे है, हर साल यानी 32 साल से वहां पे गौवे कटती आई है, गौ माता का बहुत बड़े तौर पे वहाँ पे कटना जारी था। तो हमने क्या किया, आरटीआई के तहत कुछ मालूमत मंगानी शुरू कर दी गवर्नमेंट से। हमारे पास एक कानून है जो कानून का नाम है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पीसीबी। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है और नेशनल लेवल पे काम चलता है पीसीबी का, मगर यहाँ हमें पता नहीं है। हमने पीसीबी के तहत जो गाइडलाइन दी है कि कत्तलखाने कैसे होने चाहिए, जो पार्ट्स रहते हैं गौमाता कटने के बाद उनकी जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, ये हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के किताब के तहत पता चल गया। उससे हमने आरटीआई के तहत बहुत बड़ी माहिती इकट्ठा की, इन्फॉर्मेशन निकाली, मगर उसका बेस क्या रहता है, तो पहले आरटीआई के तहत हमें ये मालूमत लेनी चाहिए कि वहाँ की ड्रेनेज लाइन सिस्टम कैसी है, वहाँ पे जो गौमाता या भी गौवंश हो या जिसे भी काटा जाता है, तो उसका जो पूरी तरह से उनको डिमोलिश करना और उसका पूरा फिनिश कर देना, उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं, तो उस तौर का जो उनके पास मटेरियल है, साधन सामग्री है, यंत्रणा है, वो यंत्रणा चलती है या नहीं है, चलती है तो वो किस तौर पे चलती है, 40% है, 60% है या 100% काम देती है, ये सब अगर हम मालूमत मंगाए, ये मालूमत अगर हमारे पास है, तो फिर उसके बाद हमें जाना है ग्रीन ट्रिब्यूनल। एकदम आसान काम है, ये बहुत आसान काम है। ग्रीन ट्रिब्यूनल पूरे भारत में इसका संचार है, ग्रीन ट्रिब्यूनल का। और ग्रीन ट्रिब्यूनल ये एक एक जोन को दिया जाता है, जैसे कि अभी पुणे में वेस्ट जोन के लिए, ये पूरा जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है उसके लिए हमारे पुणे में है वो वेस्ट जोन, वहाँ पे हमें सेक्शन 18 सब क्लॉज 1 रीड विद सेक्शन 14, 15, 16, 17, ये सेक्शन के तहत हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, और एप्लीकेशन करने के बाद वहाँ के स्टेट को अगर हम लोग पार्टी करते हैं तो इसका 3 महीने के अंदर निकल आता है, निकल 101% पॉजिटिव रहता है, अपने हक में रहता है, और उसका अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में। उसकी वजह से क्या होता है, जो हर रोज 400-500 जो कैटल्स कटते हैं, अगर वो कटना बंद हो गए कितना पशुधन हमारा बच गया। अगर हम लोग इस अभियान में सचमुच शामिल होना चाहते हैं तो पहले तो हमें जो हमारा पशुधन है, जो मूल वंश है, उसको हमको बचाना पड़ेगा, और उसको बचाते बचाते हम लोग खुद भी उसको अगर प्रोटेक्ट करें तो बहुत बड़ा और बढ़िया काम हो सकता है। एक बात ध्यान से हमें सुननी चाहिए, हमें बेचने वालों को भी मस्तिष्क ठीक करना चाहिए,
वो भी गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अभियान हमारे गांव गांव में हमें करना चाहिए कि आप गोरक्षण गौ माता को बेचना है तो हमें बेचो, हम आपको पैसा दे देते हैं, हमारे पास ये गोरक्षण के लिए गौ माता छोड़ दो, ये हमें करना चाहिए। इसके सिवा ये काम नहीं बनेगा और सबने करना चाहिए। जब तक हम खुद होके इसको नहीं करेंगे तब तक इसका हल निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत यानी बहुत मुश्किल है। गुजरात की अवस्था ऐसी है कि कुछ जगह पे वो जो गिर गाय जो गुजरात की एकदम स्पेशलिटी है उसमें परसेंटेज आ गया है। गिर गाय में जब परसेंटेज आता है तो ओरिजिनल ब्रीड खत्म हो जाता है, और जब ओरिजिनल ब्रीड ही खत्म हो गया दूध कौन सा पियेंगे हम लोग। गवर्नमेंट खुद दूध में 25-30% यूरिया मिलाने का ऑथोराइजेशन देता है। मगर मेरा विषय अलग है, मगर फिर भी मैं आपको चेतन करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ। गोरक्षण करने वालों को क्षात्र तेज का अपने आप में स्वीकार करना चाहिए, वो क्षात्र तेजी होने चाहिए, मुंह से नहीं बोलने चाहिए, हाथ से भी उनको बोलना चाहिए, वो क्षात्र तेजी होने चाहिए। ये सब जो माइंड चल रहा है गवर्नमेंट का हिंदू एक्टिविटीज खत्म कर देने का, क्योंकि उनको पता है एक गाय बची तो एक कुटुंब चलता है। राजू दीक्षित ने तो सुप्रीम कोर्ट के जज को बताया, राजू दीक्षित जी ने, कि एक गौ माता कितनी बड़ी काम कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसके ऊपर स्ट्रक्चर पास किया। इतना बड़ा काम हमारे पहले के लोगों ने किया हुआ है, अभी हमें सिर्फ इतना करना है। बात ऐसी होती है, अगर हमें कत्तल खाने बंद करने हैं, गोरक्षण तो करना ही है, गोरक्षण होना चाहिए, मगर गोरक्षण के लिए जो शक्ति हम लोग खर्च करते हैं उसमें से ही थोड़ी शक्ति अगर हम लोग इस प्रकार से आरटीआई के माध्यम से बहुत सारी मालूमत निकाल ले और वो मालूमत के तहत डायरेक्ट कत्तल खाना बंद कर दे। अगर एक बार आर्ग्यूमेंट होता है ना तो 101% अगर वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाहर का काम है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वहां पे बोलता है कि इसको बंद कर दो, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम वही है पोल्यूशन को कंट्रोल करना। तो आप गोरक्षण के माध्यम से, ये सब चीजों के माध्यम से सजग रहे और इस प्रकार से काम करें। कम श्रम में शत्रु का ज्यादा से ज्यादा नुकसान होना चाहिए। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा।